अशुक्ति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वह आज शाम 4 बजे पटना पहुंचकर मीडिया से बात करेंगे और अब तक की सूचना के अनुसार वह शाम 5:30 बजे के करीब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। वह 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। हाजीपुर से वह सीट चाह रहे हैं। भाजपा से इसी मांग पर वह अड़े थे, लेकिन चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने के बाद गुस्से में उन्होंने यह फैसला लिया है। खबर है कि पशुपतिनाथ पारस नाराज होकर अब महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं और आरजेडी उन्हें 3 टिकट देकर चुनावी गठबंधन का हिस्सा बना सकती है। लंबे समय से दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए टिकट मांग रहे उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी एनडीए में स्थितियां सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 3 की जगह 2 टिकट कम से कम चाह रहे थे, लेकिन एक ही टिकट दिए जाने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा भी खासे नाराज हैं। पशुपति पारस ने कल 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसमें वे आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सोमवार को एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। बीजेपी 17 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका रहेगी, जबकि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इसके अलावा एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। एनडीए में सीट न मिलने से पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। एनडीए में सीट न मिलता देख पशुपति पारस ने पहले ही बगावती तेवर दिखा दिए थे। हाल ही में पशुपति पारस ने बगावती तेवर दिखाते हुए कहा था, मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। हम 2014 से बहुत ईमानदारी से एनडीए का साथ देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी गई। उन्होंने बीजेपी से लिस्ट पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। इतना नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे सामने विकल्प खुला था। पशुपति पारस ने कहा था, मैं बीजेपी की लिस्ट के बाद फैसला लूंगा। पशुपति पारस बिहार की हाजीपुर सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया था, हालांकि वे इस पर राजी नहीं है। उधर सीट शेयरिंग के बाद चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सीट रही है। अभी इस सीट से उनके भाई पशुपति पारस सांसद हैं। पशुपतिनाथ पारस को वेलकम करने के लिए लालू प्रसाद की पार्टी तैयार है। आरजेडी उन्हें 3 सीटें देने को लेकर भी मन बना चुकी है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पशुपतिनाथ पारस मोदी सरकार से नाता तोड़कर लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से उम्मीदवार बनकर सीधा चिराग को पटखनी देने का मन बना चुके हैं। दरअसल लड़ाई असली लोजपा की थी और चिराग ने एनडीए में अपनी बात मनवा कर साबित कर दिया कि बीजेपी दिवंगत नेता रामविलास पासवान की वारिस के तौर पर चिराग पासवान को ही नेता मान चुकी है। जाहिर है ऐसा महागठबंधन में आरजेडी भी मानती है, लेकिन चुनावी रणनीति और कुछ सीटों पर जातिगत गणित को साधने के लिए लालू प्रसाद नया दांव चलने के फिराक में है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि हाजीपुर में चिराग के खिलाफ नामचीन उम्मीदवार पशुपतिनाथ पारस हो सकते हैं, वहीं आरजेडी के समर्थकों के वोटों की मदद से चिराग पासवान को हाजीपुर में घेरा जा सकता है। इसलिए लालू प्रसाद हाजीपुर ही नहीं बल्कि नवादा और कुछ अन्य सीटों पर भी पशुपतिनाथ पारस के गुट के सांसदों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने के पक्षधर बताए जा रहे हैं।